मच गया। सूचना के कई घंटों बाद भी वाइल्ड लाइफ की कोई टीम जब मौके पर नहीं पहुंची तो स्थानीय युवकों के द्वारा ही अजगर को पकड़ कर वाइल्ड लाइफ टीम को सौंप दिया गया। आगरा में ताजमहल के पीछे मेहताब बाग के पास अचानक से करीब 10 फुट लंबा अजगर निकलने से पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। मेहताब बाग के पास सड़क पर 100 फुट लंबे अजगर को देखते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों के द्वारा अजगर को पकड़वाने के लिए वाइल्ड लाइफ SOS की टीम को फोन कर सूचना दे दी गई। काफी समय तक इंतजार किए जाने के बाद भी जब वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची तो खुद कुछ लड़कों ने अजगर को पकड़ने का प्रयास शुरू कर दिया। एक लड़का हाथ में बड़ा लंबा डंडा लेकर मौके पर पहुंच गया और उसे पकड़ने का काम शुरू कर दिया। करीब आधा घंटे से ज्यादा तक लड़कों ने अजगर को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से एक अजगर को पकड़ने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं। आधे घंटे से ज्यादा समय तक पकड़ने का प्रयास किया, तब कहीं जाकर आखिरकार इस अजगर को लड़कों ने पकड़ लिया और एक थैले में बंद कर दिया। सूचना के काफी देर बाद मौके पर पहुंची वाइल्ड लाइफ SOS की टीम को लड़कों ने थैले में बंद अजगर को सौंप दिया, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ SOS की टीम अजगर को अपने साथ ले गई। कहीं जाकर पर्यटकों और आसपास के दुकानदारों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों ने दी वाइल्ड लाइफ SOS को सूचना। स्थानीय लोगों ने खुद अजगर पकड़ कर वाइल्ड लाइफ को सौंपा। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। मेरा नाम शाहिद है। यहाँ पे मेहताब बाग रोड पे अजगर साहब निकला और हमने SOS को खबर की वाइल्ड लाइफ वालों को के एक घंटे पहले तकरीबन, और अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया। फिर हमने अपने हाथों से प्रयास करके डंडों से 4-5 लड़कों को साथ में लेके इसे सांप को पकड़ा है और कट्टे में बंद कर दिया है। कितने फुट का हुआ ये? करीब समथिंग 6 फुट के आसपास, 6-7 फुट के आसपास।